हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस मंच पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, आपने समझा होगा कि मैंने रॉलेट एक्ट के विषय में चर्चा कर दी थी, और रॉलेट एक्ट विषय के बाद फिर हमने जलिया वाले बाग हत्याकांड पर भी चर्चा किया था। और आज का जो टॉपिक होगा उसमें दो विषय होंगे और दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पहला जो होगा खिलाफत आंदोलन और दूसरा जो होगा वो असहयोग आंदोलन होगा। तो हम आज पहला जो हमारा विषय है वो खिलाफत आंदोलन है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इसके बाद दूसरा जो विषय असहयोग आंदोलन तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी। तो चलिए आइए हम लोग खिलाफत आंदोलन के विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए खिलाफत आंदोलन देखिए खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो 1919 से लेकर के 1920 तक 1919 से लेकर 1920 तक है। अब इसमें खिलाफत का मतलब क्या होता है? तो खिलाफत का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप बता सकते हैं, विरोध करना होता है। अगर आप किसी के अगेंस्ट जा करके अपना कोई कार्यक्रम चलाते हैं तो उसको हम लोग खिलाफत कहते हैं। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मूलतः किस पार्टी से जुड़ा हुआ विषय है? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो भारत में हुई थी वो मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। तो जैसे अगर पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस पार्टी के द्वारा भारत में की गई थी तो मुस्लिम लीग के द्वारा। और इसके जो सबसे बड़े दो लीडर हैं, वैसे तो कई सारे मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस के नेता इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन दो जो सबसे बड़े नेता हैं जैसे मोहम्मद अली और दूसरे जो थे वो इनके भाई थे, उनका नाम था शौकत अली। और इसके अलावा खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए और भी जो लोग हैं जैसे हकीम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम जानते होंगे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए। इसके अलावा आप और भी लोगों का नाम ले सकते हैं, मोहम्मद अहमद अंसारी, मोहम्मद अहमद अंसारी हो गए। इसके अतिरिक्त जैसे खलीकुज्जमा हो गए, तो कई सारे लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो जैसे अभी तक हमने जो आपको बताया है कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी, और मुस्लिम लीग के दो सगे भाई थे, दो बड़े लीडर थे, एक का नाम था शौकत अली, दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। और इस आंदोलन से जुड़े हुए और भी जो बड़े नेता थे, हकीम अजमल खां हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, मोहम्मद अहमद अंसारी हो गए, खलीकुज्जमा हो गए, तमाम सारे लोग थे। अब अगर पूछा जाए कि जब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो इसमें कांग्रेस का रवैया कैसा था, कांग्रेस का नज़रिया कैसा था, तो ये वह समय है कि जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ साथ मिल करके आंदोलन चलाने का मन बना चुके थे, और इस आंदोलन की जो अगुवाई है कांग्रेस की ओर से वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था, क्योंकि ये वह समय है जब हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ मिल करके चलने का प्रयास कर रहे थे और अंग्रेजों पर दबाव भी डालने का प्रयास लगातार कर रहे थे। और इससे इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आपने सुना होगा कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था, तो इसी की जो परिणति है वो खिलाफत आंदोलन में दोनों मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। अब देखिए ये जो खिलाफत आंदोलन है इसका जो मामला, जो इसकी जड़ है
वो आपके देश से या भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। इसकी जो जड़ है आप बता सकते हैं वो तुर्की से जुड़ा हुआ मामला है। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की बात है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की था, तुर्की वो जर्मनी, तुर्की जो था वो जर्मनी ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ था, और जबकि तुर्की जो है वो ब्रिटेन के विरुद्ध था, ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा था, ब्रिटेन के विरुद्ध था। अर्थात जो तुर्की है वो ब्रिटेन का समर्थक नहीं है बल्कि ब्रिटेन का विरोधी है। देखिए मैंने आपको बताया कि भारत में तमाम बड़े अंग्रेज राजाओं अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय मुसलमानों से कहा था कि आप लोग मेरा साथ दीजिए प्रथम विश्व युद्ध में और हम लोग तुर्की के खलीफा को हटाएंगे नहीं, और तुर्की भले हमारे खिलाफ लड़ रहा है लेकिन वहाँ के खलीफा को हटाने का हमारा कोई विचार नहीं है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि अंग्रेज कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। तो पहला विश्व युद्ध जब समाप्ति की ओर था तो उसी समय तुर्की के जो खलीफा थे, इनको ब्रिटिश सरकार ने अबदस्त कर दिया। तो तुर्की खलीफा को सिंहासन से हटा दिया, अबदस्त हो गए। और जब तुर्की खलीफा अबदस्त हो गए, और तुर्की के खलीफा जो थे वो इस्लाम जगत के सबसे बड़े उत्तराधिकारी माने जाते थे, और इस्लामिक जो भी कंट्री थी या इस्लाम जुड़े हुए जो भी नेता थे तुर्की खलीफा को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। तो भारत के जो भी मुसलमान थे, जैसे ही खलीफा को हटाया गया तो भारतीय मुसलमान नेताओं की जो सहानुभूति थी, और भारतीय मुसलमान ही क्या दुनिया की जो भी मुस्लिम कंट्री थी मोस्टली, वो सब की सहानुभूति तुर्की के खलीफा के प्रति हो गई। अब तुर्की खलीफा के प्रति जब सहानुभूति हो गई तो धीरे धीरे भारतीय मुसलमानों ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दिया। और यहाँ पर इन लोगों ने, मुस्लिम लीग के नेताओं ने, खिलाफत आंदोलन को जारी कर दिया। और खिलाफत आंदोलन के जरिए जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद का दो समाचार पत्र था, जैसे अल हिलाल हो गया, तो अल हिलाल और अल बिलाग इन दोनों समाचार पत्रों को उर्दू भाषा में, अल बिलाग में और अल हिलाल में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की और तुर्की खलीफा के प्रति अपना सहानुभूति प्रदर्शित किया। और जैसे मोहम्मद अली थे तो मोहम्मद अली का एक समाचार पत्र था, मोहम्मद अली के समाचार पत्र का नाम था कामरेड। तो कामरेड के जरिए इन्होंने भी तुर्की खलीफा को जिस तरीके सिंहासन से हटाया गया था तो ब्रिटिश सरकार की बुराई की थी और ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने तुर्की खलीफा को हटा करके अच्छा नहीं किया है। और जो अली बंधु थे इन लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया था, भाषण दिया था, और भाषण में कहा था कि जितने भी मुसलमान हैं वो सेना में जाना बंद कर दें, उन्हें सेना में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ब्रिटिश लोग हैं वो इस्लाम के समर्थक नहीं बल्कि इस्लाम के विरोधी हैं। तो अली बंधुओं को इस स्टेटमेंट के लिए जेल में बंद कर दिया गया। और जब जेल में बंद कर दिया गया तो भारत में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अधिकतर लोगों ने मतलब इसकी आलोचना की जो अली बंधुओं को जेल में बंद कर दिया गया था। और फिर उसके बाद सितंबर 1919 को अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया। अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया और इसमें जैसे आप कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय
अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया। तो कहने का मतलब है, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुस्लिम लीग ने पहली बार अखिल भारतीय कमेटी का गठन कब किया था, सितंबर 1919 में किया था, और अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो 17 अक्टूबर 1919 को। अर्थात इसके जरिए भारत के मुसलमान या अधिकतर जो भारत के समर्थक थे वो ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ और तुर्की खलीफा के सहानुभूति रखने के लिए भारत में अखिल भारतीय खिलाफत दिवस की शुरुआत की थी। और आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जनवरी 1919 में अखिल भारतीय कमेटी की जो अध्यक्षता है वो अखिल भारतीय कमेटी की अध्यक्षता किसके हाथों में दे दी गई, तो महात्मा गांधी के हाथों में दे दी गई। तो जैसे अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी के आ जाने से, महात्मा गांधी के जुड़ जाने से आंदोलन में एक नई जान आ गई, एक नई दिशा हो गई, इसकी दिशा और दशा धीरे धीरे बदलने लगी। जब गांधी जी अध्यक्ष बना दिए गए तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोगों ने खिलाफत करना ब्रिटिश सरकार का शुरू कर दिया और उनकी नीतियों की आलोचना की और इसके अध्यक्ष बना दिए गए। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो हुई जैसे 1920 से हुई और दिल्ली से हुई, और इसके नेतृत्व में, मान लीजिए अगर पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 1920 से दिल्ली से हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हो गई और लोग जो है धीरे धीरे इससे जुड़ना शुरू हो गए। तो इन लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने, जो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और लोगों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। तो इसी समय 1920 की बात है, तो जनवरी 1920 में आप कह सकते हैं कि मोहम्मद अहमद अंसारी के नेतृत्व में, मोहम्मद अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लंदन में ब्रिटिश सरकार से मुलाकात करने के लिए गया। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता किसके नेतृत्व में तुर्की के मामले को लेकर के या तुर्की के खलीफा को लेकर के किसके नेतृत्व में शिष्टमंडल लंदन में मुलाकात करने के लिए गया था, तो आप बताएंगे मोहम्मद अहमद अंसारी। तो मोहम्मद अहमद अंसारी के नेतृत्व में जब ये लोग वहाँ पर गए तो वहाँ के लोगों ने इनसे मिलने से मना कर दिया और इनकी बातचीत वहाँ पर नहीं हो पाई। जैसा कि महात्मा गांधी के कहने पर इनके नेतृत्व में लोग गए थे वहाँ पर, और जब ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों ने इनसे मिलने से मना कर दिया और मना करने के बाद जनवरी में गए थे, फिर अगस्त 1920 में ब्रिटिश सरकार ने सीवर्स की संधि की और संधि करके तुर्की का विभाजन कर दिया, तुर्की को कई टुकड़ों में बांट दिया। तब इससे लगने लगा था कि ब्रिटिश सरकार तुर्की को किसी भी मामले में छूट देने के लिए तैयार नहीं है। तो तुर्की का जब विभाजन कर दिया गया, उनको अपदस्त कर दिया, तुर्की के कुछ भागों में ब्रिटेन का शासन हो गया, अर्थात तुर्की को भी ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो कहाँ पर हमारे कांग्रेस या मुस्लिम लीग के नेता ये समझ रहे थे कि हम इन पर दबाव बना लेंगे, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार कहती कुछ और थी, करती कुछ और थी, तो हम लोग उनसे दबाव बना रहे हैं उन पर और अपनी शिकायत लेकर के जा रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। और पहले से उन्होंने मतलब ये तय कर लिया था कि हम तुर्की खलीफा को अब दस्त करेंगे, विभाजन करेंगे। जैसा उन्होंने सोचा था ठीक उसी के मुताबिक तुर्की का विभाजन हो गया। और जब तुर्की का विभाजन हो गया और उससे पहले ही जो शिष्टमंडल गया था वो खाली हाथ आ गया, तो जब खाली हाथ आ गया, तुर्की का विभाजन हो गया, तो महात्मा गांधी को भी धक्का लगा। कांग्रेस के जो कट्टर समर्थक थे
वो भी परेशान हो गए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आइए हम आपको एक मंत्र देते हैं, अब ब्रिटिश सरकार के प्रति सीधी कार्रवाई करनी है, असहयोग करना है, सबने अवज्ञा करना है। तो कहने का मतलब है कि जब तुर्की का विभाजन किया गया, खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ, शिष्टमंडल खाली हाथ लौट करके आया, तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस सभी नेताओं को एक साथ कहा था कि आइए अब हम आपको एक मंत्र देते हैं, अब हम लोग कांग्रेस में या आंदोलन में बड़ा बदलाव करेंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे, स्वराज की मांग करेंगे और सबने अवज्ञा करेंगे, असहयोग करेंगे। तो असहयोग की बात, सीधी कार्रवाई की बात, स्वराज की बात जो की गई है व्यापक पैमाने पर बड़े परिवर्तन के आधार पर, वो आप बताएंगे 1920 में की गई है। तो जैसे 1920 में कोलकाता में, 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय जो कि शुरुआत में गर्म दल से थे, तो लाला लाजपत राय ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। तो पहली बार लाला लाजपत राय कोलकाता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। तो इन्हीं की अध्यक्षता में, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ही, इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार कोलकाता अधिवेशन में सीधी कार्यवाही की बात की गई। अभी तक सीधी कार्यवाही की बात नहीं होती थी, सहयोगी अब असहयोगी बन गए थे, सहयोग की जगह पर असहयोग आंदोलन की बात की गई, असहयोग की बात की गई, सबने अवज्ञा की बात की गई, सबने अवज्ञा की बात की गई। तो सबने अवज्ञा की बात, असहयोग की बात, सीधी कार्रवाई की बात और कर्ण अदा करने की बात, ये सारी बातें जो हैं खुले तौर पर पहली बार कांग्रेस के मंच से किस अधिवेशन में सुनाई दिया था, तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में पहली बार असहयोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया। तो धीरे धीरे अब यहाँ से लोगों ने मन बना लिया था कि अगला जो आंदोलन करना होगा वो असहयोग आंदोलन होगा। तो खिलाफत आंदोलन के बाद अगला जो आंदोलन किया गया है कांग्रेस के ही द्वारा किया गया, गांधी जी ने इसका पूरा प्रस्ताव तैयार किया था और गांधी जी के कहने पर क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोग साथ मिल करके असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो हम लोग आइए असहयोग आंदोलन पर चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 से लेकर के 1922 तक, हालांकि 1921 तक इसका प्रभाव ज़्यादा था और 1922 में धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो रहा था, लेकिन ये तो आप कह ही सकते हैं कि दो वर्षों तक ये असहयोग आंदोलन चलता रहा है। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये किस अधिवेशन में लाया गया, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जैसा कि अभी हमने बताया किसका प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया गया था, तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। कोलकाता अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और इसका प्रस्ताव किसने तैयार किया था, तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पूछा जाता है किसने तैयार किया था, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था। और जो यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी ने तैयार किया था, कोलकाता अधिवेशन में पारित किया गया था, तो फिर इस प्रस्ताव की पुष्टि 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष जो थे चित्रंजन दास थे, सी आर
दास थे। तो ध्यान देने वाली बात है, 1920 में दो सम्मेलन हुए, एक कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और दूसरा नागपुर में अधिवेशन हुआ था। तो प्रस्ताव कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था, इसकी अध्यक्षता लाल लाजपत राय ने किया था और इस प्रस्ताव पर मुहर या इस प्रस्ताव पर जो पुष्टि की गई थी वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में की गई थी और जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। हालांकि चितरंजन दास अशोक आंदोलन के खिलाफ थे पहले, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो विधानमंडल है तो विधानमंडल के चुनाव में पार्टिसिपेट किया जाए, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि किसी भी स्तर के चुनाव में भारत की राजनीतिक पार्टियों को भाग लेने के लिए जरूरत नहीं है, अर्थात हम लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। तो शुरुआत में चाहे लाल लाजपत राय हो और चाहे सी आर दास हो, ये सभी लोग अशोक आंदोलन के खिलाफ थे, लेकिन बाद में गांधी जी के प्रभाव की वजह से, गांधी जी के कहने पर, समझाने पर ये लोग मान गए थे और नागपुर अधिवेशन में सी आर दास जी ने अध्यक्षता की प्रस्ताव को पारित किया। और इस प्रस्ताव को पारित करने के साथ साथ इसमें दो महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे पहली बार ये कहा गया था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर, इसमें पहली बात की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर या ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर, ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर स्वराज की मांग की गई, बाहर स्वराज की मांग की गई। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे अभी तक स्वराज की जो मांग की जा रही थी, चाहे कोलकाता अधिवेशन में हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, ये सभी लोग स्वराज की मांग जो कर रहे थे वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कर रहे थे, भीतर कर रहे थे। लेकिन असहयोग आंदोलन की जो बात की गई, असहयोग आंदोलन की शुरुआत में नागपुर अधिवेशन में, इसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल के आई कि कांग्रेस ने तय कर लिया था कि हम स्वराज चाहते हैं, वो चाहे ब्रिटिश सरकार के भीतर हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ब्रिटिश सरकार से बाहर जाकर के स्वराज को लेकर के आएंगे। तो अब स्वराज की बात जो हो रही है वो अंदर से भी हो सकती है और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बाहर से जाकर के भी स्वराज की बात करेंगे। तो नागपुर अधिवेशन की सबसे बड़ी जो बात थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर या ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर स्वराज की मांग। तो अभी तक भीतर की बात होती थी, लेकिन अब ये कहा गया था कि हम लोग साम्राज्य के बाहर जाकर के स्वराज की मांग करेंगे। और दूसरा जो है इसमें कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन में रचनात्मक कार्यक्रमों की बात की गई, रचनात्मक कार्यक्रमों की बात की गई, अर्थात इसमें बहुत सारे कार्यक्रम आ गए और बहुत सारे कांग्रेस में परिवर्तन हो गए। तो कांग्रेस में गांधी जी के आ जाने से अचानक ढेर सारे परिवर्तन हो गए। इसमें रचनात्मक कार्यों में, जैसे दो प्रकार के कार्य थे, एक जैसे नकारात्मक कार्य और दूसरा जो है सकारात्मक कार्य। नकारात्मक कार्यों में जैसे विदेशी स्कूलों कॉलेजों और जैसे कोर्ट मतलब अदालतों तथा विदेशी उपाधियों का बहिष्कार। जैसे इसमें कहा गया था
अशोक आंदोलन में जो नकारात्मक कार्य था, नकारात्मक कार्यक्रमों के जरिए ये कहा गया कि हम लोग विदेशी वस्तुओं का, विदेशी स्कूलों का, विदेशी कॉलेजों का, अदालतों का, विदेशी वस्तुओं का, उपाधियों का, सबका हम लोग बहिष्कार करेंगे। अर्थात विदेशी चाहे वस्त्र हो, चाहे विदेशी वस्तु हो, चाहे विदेशी कॉलेज हो, चाहे विदेशी विद्यालय हो, चाहे विदेशी अदालत हो, विदेशी कुछ भी हो प्रोडक्ट है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, हम लोग विदेशी शब्द से ही अब समर्थन करने वाले नहीं है, बल्कि हम विदेशी शब्द को यहाँ से हटाएंगे, हम इनका बहिष्कार करेंगे, इसकी आलोचना करेंगे, इसका आंदोलन करेंगे। अब हम लोग विदेशी किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसका असर इतना ज़्यादा हुआ, जब ये आंदोलन चला था तो आप कह सकते हैं कि जो विदेशी वस्तुओं को हम लोग बड़ा मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, तो उसमें 50% की गिरावट आ गई थी। अर्थात हम लोग विदेशी किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए, खरीदने के लिए, यूज करने के लिए तैयार नहीं थे। सकारात्मक कार्य में जैसे स्वदेशी स्वदेशी विद्यालय की स्थापना की बात की गई, स्वदेशी विद्यालय लगभग 800 स्वदेशी विद्यालय बनाए गए थे, और 800 विद्यालय के अंतर्गत जैसे कोलकाता में नेशनल कॉलेज बनाया गया, नेशनल कॉलेज आया, और गुजरात विद्यापीठ का गठन किया गया, गुजरात विद्यापीठ, ये भी 1920 की बात है, विद्यापीठ की स्थापना की गई, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। तो एक ओर हम लोग विदेशी विद्यालयों का, कॉलेजों का बहिष्कार कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम लोग स्वदेशी विद्यालय ला रहे हैं। नेशनल कॉलेज कोलकाता में बना लिया, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कर ली, काशी विद्यापीठ की स्थापना कर ली, इसके अलावा दिल्ली में जामिया जामिया इस्लामिया विद्यालय की भी स्थापना हो गई। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो विद्यालय दिल्ली में है, इसकी भी स्थापना कब की गई थी तो आप बताएंगे, 1920 में की गई थी। तो कहने का मतलब है, चाहे वो मुस्लिम के लिए हो, चाहे हिंदू के लिए हो, क्योंकि दोनों हिंदू मुसलमान सभी लोग, कांग्रेस मुस्लिम लीग सभी लोग इस आंदोलन में बढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए जामिया मिलिया इस्लामिया भी आया, नेशनल कॉलेज भी आया, गुजरात विद्यापीठ आया, काशी विद्यापीठ आ गया। और नेशनल कॉलेज के जो पहले प्रधानाचार्य बने, अगर पूछा जाए कि नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन बनाए गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। और शिक्षा का बहिष्कार का असर सबसे ज़्यादा, शिक्षा के बहिष्कार का असर सबसे ज़्यादा कोलकाता में था, पंजाब में था इसका असर, उत्तर प्रदेश में था। और इस आंदोलन का असर सबसे कम असर जो था वो आप बताएंगे मद्रास में था। तो असहयोग आंदोलन या बहिष्कार का असर सबसे कम मद्रास में था, और सबसे अधिक जो था कोलकाता में था। और पूरे भारत में उस समय लगभग 90,000 स्टूडेंट ने विदेशी विद्यालय जाने से मना कर दिया, और विदेशी उपाधियों को लेने से मना कर दिया। और जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो इस आंदोलन की शुरुआत के समय गांधी जी ने कैसर ए हिंद की जो उपाधि मिली थी इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको भी इन्होंने लौटा दिया। इनको जूलू युद्ध पदक दिया गया था, तो जूलू युद्ध पदक को भी इन्होंने लौटा दिया, जूलू युद्ध पदक को भी लौटा दिया, बोवर युद्ध पदक को भी लौटा दिया, बोवर युद्ध पदक भी इनको मिला था, तो बोवर युद्ध पदक भी इन्होंने लौटा दिया था। क्योंकि गांधी जी ये समझ चुके थे कि ब्रिटिश सरकार ने जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया, जिस तरीके से पहले विश्व युद्ध के बाद
गरीबी, महामारी, महंगाई, बेरोजगारी आ चुकी थी, तो उसमें भी लोगों ने देख लिया था, ब्रिटिश सरकार ने कोई भी सहायता नहीं की थी। पंजाब में मार्शल ला लागू कर दिया था, खिलाफत आंदोलन अभी हमने आपको बताया ही है। तो खिलाफत आंदोलन की वजह से, या आप कह सकते हैं कि जलियांवाले बाग हत्याकांड की वजह से, या मार्शल ला की वजह से, या जिस तरीके से इन्होंने द्वैत शासन का प्रयोग करके भारत में शोषण को लगातार जारी किया था, तो गांधी जी ये समझ गए थे कि ब्रिटिश सरकार के दिए गए उपाधि को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म, राजधर्म का विषय नहीं है, क्योंकि इनके जो भी शासन करने का तरीका है वो तरीका सही नहीं है। और अब ये लोग शासन करने वाले नहीं है, शोषण करने वाले लोग हैं, ये आतताई सरकार है, ये शैतानी सरकार है, अर्थात हम इनके दिए गए उपाधियों को, इनके दिए गए मेडल को रख करके हम भारत की गरिमा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने इसको वापस कर दिया था। तो कैसरे हिंद की उपाधि, जूलो युद्ध पदक, बोअर युद्ध पदक गांधी जी ने अशोक आंदोलन के समय सारा का सारा लौटा दिया था। जब गांधी जी इस पदक को या इस उपाधि को लौटा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी उपाधियों को लौटाना शुरू कर दिए थे। और इसमें गांधी जी ने जो सकारात्मक कार्यक्रम बनाया था, जैसे विदेशी वस्त्रों की जगह पर इन्होंने स्वदेशी वस्त्र की बात की थी, स्वदेशी वस्त्र की बात की, और स्वदेशी वस्त्रों में जो इन्होंने बात की थी वो खादी की बात की थी, खादी की बात की थी। लगभग 20 लाख चरखे बांटे गए थे, तो 20 लाख चरखे बांटे गए, खादी कपड़े का प्रचार प्रसार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन की बात की गई, बाकी बहिष्कार की बात की गई, अस्पृश्यता को दूर करने की बात इसमें की गई थी, हिंदी भाषा को बढ़ाने की बात की गई थी, और जो भी वयस्क लोग थे उनको कांग्रेस से जोड़ने की बात की गई थी, हर 300 लोगों में कांग्रेस समिति के गठन करने की बात की गई थी। तो कुछ बातें इसकी सकारात्मक थी और कुछ बातें नकारात्मक थी, चाहे वो नकारात्मक बातें हों चाहे सकारात्मक बातें हों, वो भारत के हित में थी। और इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था, 1 अगस्त 1920 को। तो आपसे अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किस दिन किया था, तो 1 अगस्त 1920 को किया था, और गांधी जी द्वारा चलाया गया ये पहला जन आंदोलन था। अभी तक गांधी जी ने कोई जन आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन नहीं किया था। हाँ, जैसे चंपारण किया या खेड़ा सत्याग्रह किया, तो ये सब आर्थिक था, स्थानीय स्तर का आंदोलन था, अभी तक जन आंदोलन गांधी जी ने भारत में नहीं किया था। तो गांधी जी द्वारा चला गया भारत में पहला जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन है। और इन्होंने कहा था कि अगर हम सत्य और अहिंसा के दम पर आगे बढ़ते रहे, शांतिपूर्वक हम अपना आंदोलन चलाते रहे, तो भारत को हम 1 वर्ष के अंदर स्वराज कर देंगे। तो गांधी जी ने पहली बार 1 वर्ष के अंदर स्वराज की जो बात की थी वो किस आंदोलन के समय किया था, तो आप बताएंगे अशोक आंदोलन के समय किया था। और जैसे ही अशोक आंदोलन की शुरुआत हुई, उसी दिन कांग्रेस के बड़े लीडर थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो गांधी जी ने कहा था इनकी मृत्यु पर कि हमने अपना सबसे मजबूत बचाव खो दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होता है कि जिस दिन गांधी जी ने अपना पहला जन आंदोलन चलाया था, अशोक आंदोलन, उस दिन कांग्रेस के या भारत के बड़े लीडर किसकी डेथ हो गई थी, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के नाम पर ही इन्होंने स्वराज कोष की स्थापना की थी, स्वराज कोष का गठन किया। तो स्वराज कोष में उस जमाने में 1 करोड़ से अधिक रुपया इनके नाम पर इकट्ठा कर लिया गया था। तो उसमें पैसा लगा करके लोगों को 20 लाख चरखे दिए गए थे। तो खादी की बराबर गांधी जी वकालत कर रहे थे। तो बाद है 1921 की, तो 1921 में काकीनाडा पड़ता आंध्र प्रदेश में, जब काकीनाडा में 1921 में अधिवेशन हो रहा था, तो समय गांधी जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तो एक कार्यकर्ता ने कहा था कि साहब खादी बहुत महंगा है और हर गरीब आदमी इसे नहीं पहन सकता है। तो गांधी जी ने
उसे कहा था कि जरूरत के हिसाब से ही कपड़ा पहनिए, जितनी जरूरत है उतना ही कपड़ा पहनिए। अर्थात उन्होंने भी कुर्ता धोती पहनना बंद कर दिया था। तो एक फकीर के रूप में अर्ध नंगे फकीर के रूप में उन्होंने जो शुरुआत की थी, आपने देखा होगा गांधी जी ने जीवन भर एक लिगोटी मतलब एक धोती पहन करके ही अपना जीवन यापन किए थे। तो अर्धनंगा फकीर बनने का जो इन्होंने फैसला किया था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था, तो 1921 के काकीनाड़ा अधिवेशन में ऐसा किया था और कार्यकर्ता के सवाल पर ही इन्होंने ऐसा किया था। अब उसके बाद आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, सीआर दास हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, किचलू हो गए। तो इन सभी लोगों ने विदेशी अदालतों में काम करना बंद कर दिया था, अर्थात वकालत करने से मना कर दिया था और लगातार आंदोलन को आगे लेके जा रहे थे। जन आंदोलन बन चुका था। और यहाँ पर जैसे ताड़ी की दुकान हो गई, शराब की दुकान हो गई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, अर्थात सभी लोगों ने मिलजुल करके इसमें, चाहे मजदूर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सभी लोगों ने भाग लिया था। अर्थात ये पहला ऐसा आंदोलन था जो जन आंदोलन कहलाया, जन आंदोलन बन गया था। और इसमें चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे वकील, चाहे व्यापारी, शिक्षक, किसान, अर्थात सभी लोगों ने मिलजुल करके आंदोलन किया था। और इसका असर पूरे भारत में था, अर्थात अभी तक भारत में इतना बड़ा आंदोलन कभी भी देखने को नहीं मिला था। और गांधी जी का जो प्रभाव था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया था। और गांधी जी जब कांग्रेस में आए व्यापक बदलाव किया था, और इस बदलाव की वजह से जैसे एनी बेसेंट हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, या शंकर नारायण हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, ये सारे के सारे कांग्रेस से अलग हो गए थे। क्योंकि अब कांग्रेस पर सीधा प्रभाव किसका दिख रहा था, किसका असर दिख रहा था, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी का असर दिख रहा था। और युवक, व्यापारी, शिक्षक, वकील, सभी सारे लोग, गरीब अमीर, सभी लोग इस आंदोलन में जान लगा करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और इसी समय 1921 की बात है, 1921 की बात है, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स आए हुए थे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स आए हुए थे, तो जब ये मुंबई में पहुंचे तो जहां जहां पर गए वो मुंबई की सड़कें वीरान हो चुकी थी। अर्थात इनका स्वागत करने के लिए कोई भी भारत का व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसी समय मुंबई में वहां के मजदूरों ने राजनीतिक हड़ताल कर दिया था। और जब राजनीतिक हड़ताल हो गया तो कोई भी इनसे बातचीत करने के लिए भारत के लोग तैयार नहीं थे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर भारत की सड़कें सुनी हो गई थी, सन्नाटा हो गया था, लोग हड़ताल कर रहे थे। अर्थात इनकी शान शौकत में जल्दी कोई भारत का व्यक्ति शामिल नहीं था। और हड़ताल हो जाने की वजह से, आंदोलन के शुरू हो जाने की वजह से इनके स्वागत के लिए उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं जुटी थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये मुंबई में आए थे तो कुछ जैसे एंग्लो इंडियन हो गए, या सिख हो गए, या जैसे पारसी हो गए, तो पारसी, एंग्लो इंडियन या सिख, इन लोगों ने इनका स्वागत किया था। तो पारसी लोग, एंग्लो इंडियन लोग, सिख लोग जो है इनका स्वागत करने के लिए जा रहे थे। और उसी समय महात्मा गांधी मुंबई में मजदूरों को संबोधित कर रहे थे। तो एक तरफ से गांधी जी का भाषण सुन करके तमाम सारे मजदूर लौट रहे थे, और उधर से इनका स्वागत करके पारसी, एंग्लो इंडियन, सिख लोग लौट रहे थे। तो इसमें दोनों में संघर्ष हो गया, बड़ा विवाद हो गया, उसमें कुछ लोगों की हत्या कर दी गई थी भारतीय मजदूरों के द्वारा। फिर वहां पर ब्रिटिश सरकार ने गोली चला करके हमारे 50 मजदूरों को मार दिया था। तो कहने का मतलब है, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन में वैसे ज़्यादातर तो सड़कें खाली ही थी, वीरान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गांधी जी वहां पर कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो गांधी
जी के संबोधन को सुन करके कुछ भीड़ लौट रहे थे और कुछ जो है स्वागत करके भीड़ लौट रहे थे, दोनों में मारपीट हो गया और उसमें कुछ मुठभेड़ हुआ जिसमें एंग्लो इंडियन पारसी कुछ सिख मारे गए थे। बाद में दबाव बना करके गोली चलाया गया, उसमें 50 हमारे कार्यकर्ता मार दिए गए थे। तो आंदोलन फिर भी जो है अभी लगातार आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। कहीं कहीं जैसे हिंसा की घटनाएं हो जा रही थी, आपने सुना होगा कि जैसे ये ऐसा आंदोलन था कि अंग्रेजों के खिलाफ तो चल ही रहा था, अब इसमें जैसे अवध क्षेत्र में 1920 की बात है, एक आंदोलन चला और एक आंदोलन जो अवध क्षेत्र में चला था वो जमींदारों के खिलाफ मजदूरों ने किया था। जैसे जो जमींदार लोग होते थे वो जमीन के मालिक होते थे और किसान लोग जो होते थे वो खेती का काम करते थे और 33% तय होता था जब अनाज आ जाता था तो इस 33% को भी जमींदार देने के लिए तैयार नहीं होता था। लैंडलॉर्ड लोग किसानों से जो समझौता करते थे उसमें भी नहीं देते थे। तो अवध क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ तो इसमें भी इसका असर असहयोग आंदोलन का दिखा। फिर 1921 में आपने सुना होगा मोपला विद्रोह हुआ, तो मोपला विद्रोह भी वैसे किसानों ने जमींदारों के खिलाफ किया था लेकिन दिक्कत इस बात की यहाँ पर फंस गई कि जो मुबला थे वो अरेबियन किसान थे, मुसलमान थे और जमींदार जो थे वो हिंदू थे। तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान हो गए क्योंकि वैसे तो जो लड़ाई थी वो जमींदार किसान की थी लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ गई कि जमींदार मुसलमान है और किसान हिंदू है तो दंगे भी कई बार हुए। तो शौकत अली मोहम्मद अली ने यहाँ पर किसानों का साथ दिया, दंगे को थोड़ा सा भड़काया भी था। तो इसमें मोपला में भी असहयोग आंदोलन का प्रभाव दिखा, अवध में भी देखा। और जो बात हो रही पंजाब की तो महंत तो लोग थे जिन्होंने गुरुद्वारा कमेटी पर अधिकार किया था जो उनकी चलती थी, तो महंतों के खिलाफ भी लोगों ने आंदोलन किया था। तो कहने का मतलब है एक तरफ यहाँ भारत की समस्त जनता अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रही है और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि भारत में गरीब किसान, गरीब मजदूर जमींदारों के खिलाफ, महंतों के खिलाफ, अपने जो अधीनस्थ जो अपने अमीर लोग हैं उनके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन हो रहा। तो इसका असर असहयोग आंदोलन का अवध में भी था, मोपला मतलब केरल में भी था और पंजाब में भी था और हर जगह इसका असर दिख रहा था और आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो इसी समय की बात है 5 फरवरी 1922। तो 5 फरवरी 1922 में एक स्थान पड़ता है गोरखपुर के पास चौरी चौरा, तो चौरी चौरा नामक स्थान पर, ये गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। तो यहाँ पर जब कांग्रेस के नेता आंदोलन कर रहे थे, लोगों का झुंड जा रहा था तो उसी में एक कार्यकर्ता पर यहाँ की पुलिस ने गोली चला दिया। तो पागल भीड़ ने, क्रुद्ध भीड़ ने सीधे थाने में ये लोग घुस गए और थाने में घुस करके थाने में आग लगा दिया। चौरी चौरा में थाना था, थाने में आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। तो 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। तो जब 5 फरवरी 1922 की घटना हुई तो गांधी जी ने निराश होकर के चौरी चौरा कांड के हो जाने की वजह से अचानक इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन वापस हो गया। तो जैसे अगर पूछा जाए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस जो लिया था वो क्यों लिया था, तो आप बताएंगे चौरी चौरा की घटना हो जाने की वजह से अचानक इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जब असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस लिया था तो ये उस समय कहाँ थे, तो आप बताएंगे बारडोली में थे। उस समय गांधी जी बारडोली में थे और जब असहयोग आंदोलन वापस हुआ, गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया, तो चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे मोतीलाल नेहरू हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे शौकत अली हों, मोहम्मद अली हों, सभी लोगों ने एक साथ गांधी जी की कठोर आलोचना की और बहुत सारे आधुनिक इतिहासकार भी इनके बारे में बहुत कुछ कहे हैं, काफ़ी आलोचना इस चीज़ को लेकर के होती है। और बहुत सारे लोगों ने तो भी कहा कि जमींदारों को बचाने के लिए या पूंजीपतियों को बचाने के लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। तो जब इन्होंने अचानक वापस ले लिया तो मोस्टली मतलब अधिकतर नेताओं ने इस मामले में गांधी जी का साथ नहीं दिया
और जब गांधी जी का साथ नहीं दिया तो गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि मतलब हम अपने आंदोलन को हिंसा से बचाने के लिए हर एक सजा को सहने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक हम मौत को भी सह सकते हैं, लेकिन आंदोलन को हम हिंसा में नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर हिंसक आंदोलन हो जाएगा तो ब्रिटिश सरकार को मौका मिल जाएगा क्रूरता करने का, और हम हिंसा करके अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और वो इस तरीके से हमारे दमन चक्र पर इस तरीके से हमारा दमन चक्र करेंगे कि आने वाली नस्लें भी, आने वाली पीढ़ियां भी आंदोलन के नाम पर डरने लगेंगी, तैयार नहीं होंगी, अर्थात हम हिंसा से अंग्रेजों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल इन्होंने अपना जो भी सफाई दिया, जो भी कहा, लेकिन इतना तो तय है कि असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद गांधी जी की हैसियत थोड़ी सी कमजोर हो गई थी, और इस कमजोरी का फायदा उठा करके गांधी जी को असंतोष भड़काने के लिए, आप कह सकते हैं असंतोष भड़काने के लिए न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष की सजा सुना दी। तो गांधी जी को पहली बार कितने दिनों की सजा सुनाई गई थी, तो आप बताएंगे 6 वर्ष की न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने इनको सजा सुना दिया था। तो कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है उसमें कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे भारत का गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन था, और इसी समय गांधी जी ने कहा था कि हम भारत को 1 वर्ष के अंदर स्वराज दिला देंगे, और इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। बहुत सारे स्वदेशी विद्यालय यहाँ पर स्थापित किए गए थे, और गांधी जी की इस वापसी आंदोलन जो वापस लिया था उसके पीछे क्या कारण था, तो आप बताएंगे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के समाप्त हो जाने के बाद, मतलब चौरी चौरा कांड के हो जाने की वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर गांधी जी से ही जुड़ा हुआ होगा, और उसको हम आपसे अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।